गुड मॉर्निंग दोस्तों, वापस स्वागत है आपका हमारे चैनल विस्तन में। मैं हूं सरन बेसानी। डिस्कस करेंगे IASbaba के डेली करंट अफेयर्स प्रीलिम्स मेन फोकस के 12 जुलाई 2018 के। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है जो डिस्कस करने वाले हैं वो है सेक्शन 377 इंडियन प्रीलिम्स कोड, मतलब IPC के अंदर जो सेक्शन है 377 उसके बारे में। अब यहाँ पर हम लोग देखे हैं कि प्रीवियस आर्टिकल्स में ये सब देख चुके हैं हम लोग, और ये कुछ खास इसमें नया है नहीं। तो यहाँ पर ये था कि किस तरह से मतलब आपका खुद का मतलब आपका जो पार्टनर है, आपका जो लाइफ पार्टनर है, वो आपके ऊपर है कि आप मतलब किसके साथ रहना चाहते हो, वो आपका डिसीजन है। चाहे वो आपका सेम सेक्स का हो या फिर अपोजिट सेक्स का हो, उससे यहाँ पे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, वही सब के ऊपर है। अब ये एडल्ट्री भी जो है सेकंड आज के टॉपिक है, वो भी हम लोग देख चुके हैं, इसके ऊपर पूरा हम लोग आर्टिकल डिस्कस किए, तो यहाँ पे इसको डिस्कस करना जरूरत नहीं है। ध्यान बस इतना रखिएगा कि एडल्ट्री जो है वो सेक्शन 497 में आता है IPC के, और यहाँ पे जो है जो मैरिज है, मैरिज को मेनली सेफ गार्ड करने का यहाँ पे काम किया जाता है। अब जो आज का मेन जो टॉपिक है या फिर जो मेन जो टॉपिक्स आज डिस्कस करने वाले वो जो आएगा यहाँ पे नेट न्यूट्रलिटी के बारे में। तो यहाँ हम लोग न्यूज़ में अभी देख लें कि हम लोग भारत जो है एक नेट न्यूट्रलिटी करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मतलब क्या है कि हर प्लेटफॉर्म, आप चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, iOS हो आपका, चाहे वर्किंग सिस्टम, चाहे वो एंड्रॉयड हो, चाहे वो विंडोज़ हो, उससे आपको इफेक्ट नहीं करना पड़ेगा। मतलब आपको कोई भी स्पेसिफिक साइट या फिर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। आप चाहे तो जैसे कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी साइट एक्सेस कर सकता हो, ठीक है, उस एक्सेस में किसी भी तरह का रोक ना हो। मतलब आपको ऐसा नहीं कि आप iOS में तो आप ये नहीं खोल सकते, हर कोई कुछ सब कुछ खोल सकता है। किसी भी तरह का डेटा का जो स्पीड है वो कम अलग अलग नहीं होना चाहिए, और किसी भी तरह का मतलब आपको चार्जेस नहीं देना पड़े कि अगर आप iOS हो तो आपको फ्री हो, अगर आप एंड्रॉयड हो तो आपको इतना चार्ज पे करना पड़ेगा, तो वो सब कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब हर किसी के लिए यहाँ पे सेम होना चाहिए। यहाँ पे किसी भी तरह का ब्लॉकिंग, स्लो डाउन यहाँ पे, या फिर किसी एक प्लेटफॉर्म को ज़्यादा स्पीड, किसी एक प्लेटफॉर्म को कम स्पीड, तो वो सब चीज़ का यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे डू यू नो में देखेंगे जो टेलीकॉम कमीशन, TC जिसको बोलते हैं, वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम में, जिसको कि DOT कहते हैं। तो यहाँ पे ये है कि ये जो है ये रिकमेंडेशन बनाता है, ठीक है, और ये जो है TRAI मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वहाँ पे रिकमेंडेशन पहले दे चुकी, बहुत 8 महीना पहले ही दिया था 2017 के नवंबर में, ठीक है, और TRAI उस समय फेवर किया था नेट न्यूट्रलिटी का भी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट वैल्यूडेशन ये है कि जो टेलीकॉम कमीशन है TC, वही लोग एक तो पहले पॉलिसीज बनाता है, सेकेंडरी क्या है कि वही लोग का काम है कि वो गवर्नमेंट से इसको अप्रूव कराता है, थर्डरी जो बजट है वो भी यही लोग बनाता है, और हर फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाता है, और बजट को भी यही लोग अप्रूव करवाता है, प्लस गवर्नमेंट के अप्रूव होने के बाद इंप्लीमेंटेशन भी काम इन लोग का होता है। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लिए। अब हम लोग नीलगिरी तहर के बारे में बात करेंगे जो आज के न्यूज़ इन एनिमल है। तो ये प्रीलिम्स में आ सकता है ऑफकोर्स एनवायरमेंट डाइवर्सिटी एनिमल कंजर्वेशन में। तो नीलगिरी तहर कुछ देखने में इस प्रकार का एक जीव होता है, ठीक है, थोड़ा मोटा शीप, थोड़ा मोटा गोट टाइप का देखने का एक प्राणी होता है, बड़े बड़े सींग वाला, तो ये नीलगिरी तहर है। यहाँ पे की पॉइंट्स देखेंगे कि इसका जो स्टेटस है वो एंडेंजर्ड है। ऑफ कोर्स यहाँ पे दिया रहेगा कि कहाँ पे है, तो नीलगिरी तहर जो है उसका 5% देखिएगा, सॉरी 5% वेस्टर्न घाट्स का जो 5% एरिया, साउदर्न एरिया का, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 5% एरिया। कहाँ कहाँ पे पड़ता है, तो केरला, तमिलनाडु जो है वहीं पे आपको देखने को मिलेगा। ये हाई ऑल्टीट्यूड से मिलता है वेस्टर्न घाट्स के, और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि ये लोग 2030 के बाद से अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से 60% अपना हैबिटेट आप खो देंगे, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 60% मतलब ये लोग खो देंगे, 40% ही कपास ये लोग जो एरिया है वो लोग पास बच जाएगा। यहाँ पे ये है कि ये तहर की जो स्पीसीज होती है उसमें से लार्जेस्ट है, 3 तहर की स्पीसीज है, 3 में सबसे लार्जेस्ट यही है, और ये स्टेट इसका तमिलनाडु ऑफकोर्स हम लोग बोल सकते हैं। थ्रेट इन लोगों के पास ये है कि बोले तो हैबिटेट लॉस हो रहा है, ओवर ग्रेजिंग हो रही है यहाँ पर, इलीगल हंटिंग भी बहुत हो रही है। मेन फोकस आज देखेंगे सोशल एनवायरनमेंट के ऊपर, इन हाउस एयर पोल्यूशन, यहाँ पे घर के अंदर जो एयर पोल्यूशन होता है उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। यहाँ पे बोला गया कि मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज में हाउसहोल्ड पोल्यूशन सबसे बड़ा पोल्यूशन होता है, और ये स्मोक के अंदर से होता है, मतलब स्मोक के वजह से होता है जो कुकिंग फायर से आती है। यहाँ पे ये कहा गया कि अगर ये जो डेंजर स्मोक है कहाँ से आता है, वुड, डंक, केरोसिन, चारकोल फायर, और ये अप्रॉक्सीमेटली 3 बिलियन पीपल यूज़ करते हैं स्लम में, जो स्लम्स में जो कि अफ्रीका, सेंट्रल अमेरिका और एशिया में है। यहाँ पे वो हेड ऑफिसर्स के द्वारा ये कहा गया है कि यहाँ से क्या होता है कि बहुत सारे जो लाइफ्स हैं ऑफकोर्स बच्चों का और लड़कियों औरतों का, तो वो यहाँ से ख़राब होता है। अब यहाँ पे 24 ऑफ कुकिंग फ्यूल की बात करेंगे, तो यहाँ पे जब हम लोग ये बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट बनाता है किस तरह से लिविंग कंडीशंस है मोस्टली वुमेन और चिल्ड्रन के लिए। देखिए, क्योंकि खाना जो पकता है वो तो वुमेन ही पकाती है, जो चिल्ड्रन होते हैं वो ऑफकोर्स देखिए अपनी माँ के साथ ही रहते, चाहे पढ़ाई कर रहा हो, तो देखिए कोई भी एक मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास या फिर एक मतलब पुअर फैमिली कभी अफोर्ड नहीं कर पाता है कि वो लोग जाएँ और फिर वो लोग एक ट्यूशन टीचर रखें, तो
ऑफकोर्स माँ ही जो होती है घर की वो पढ़ाती हैं, जो पिता होते हैं वो काम में जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में देखने को मिलेगा कि बच्चा भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाता है। यहाँ पे देखिएगा सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी बहुत हैं। यहाँ पे देखने को मिलेगा कि पहले तो हाउस होल्ड इनकम, कि हाउस कितना कमाता है, फ्यूल किस तरह का प्राइस है उसका, एजुकेशन अवेयरनेस, ये सब बहुत ज़्यादा जरूर पड़ जाता है। उसके अलावा कल्चर और लाइफस्टाइल भी काम पे आता है। और यहाँ पे देखिएगा कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो है वो ये बहुत इन्फ्लुएंस करती है। अब यहाँ पे बात किया गया अफोर्डेबल रिलायबल एंड क्लीन एनर्जी के बारे में। तो यहाँ पे ये बोला गया कि ये रिड्यूसिंग ऑफकोर्स हेल्थ का जो हजार्ड्स है उसको रिड्यूस करने का काम में आएगा, प्लस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो बहुत सही होगा। यहाँ पे क्या होगा कि वुमेन जो है वो इससे, मतलब अगर हम लोग सही तरीके से यूज़ करते फ्यूल को, तो वुमेन जो है वो और अच्छा काम कर पाएगी और डेवलप कर पाएगी हम लोग जो रूरल इकोनॉमी है उसको। यहाँ पे कंपेयर करेंगे अगर हम ऑप्शंस को, तो यहाँ पे देखिएगा कि जो जितना ज़्यादा बड़ा सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे चार्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है, जितना ज़्यादा बड़ा सर्कल है वो उतना कॉस्ट है फ्यूल का, और जो ज़्यादा गाढ़ा है, मतलब जितना जो ज़्यादा लाल रंग का है वो उतना ही पोल्यूशन फैलाता है। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे बेस्ट जो है, मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव और मोस्ट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, वो जो है बायोगैस है। उसके बाद आप देखिएगा कि यहाँ पे कुछ ऐसा भी है जैसे नेचुरल गैस है, उसके बाद पेलेट दिया हुआ है, एलपीजी है, केरोसिन, ट्रेडिशनल फायरवुड स्टोव, जो कि सबसे, मतलब बोला जाए कि एक जो सबसे ख़राब कंडीशन है तो केरोसिन का देखने को मिलता है, पर उसका जो फिजिबिलिटी है वो ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पे वही सब बारे में बात की गई है। बायोगैस और पीएनजी के बारे में कहा गया कि ये बेस्ट कुकिंग ऑप्शन है। एलपीजी और केरोसिन जो है वो मॉडरेटली क्लीन है। यहाँ पर यह भी बोला जाए कि फायरवुड और पेलेट जो होता है, देखिए पेलेट क्या होता है, पेलेट होता है जैसे कोई भी चीज़ का टुकड़ा, जैसे बोल सकते हैं सॉडस्ट जो होता है, फिर जो लकड़ी जो छीलता है यहाँ पे कारीगर, तो वो जो छिला हुआ जो रहता है वो एक तरह का पैलेट हो गया, या फिर काउ डंग से बना हुआ जो डंक रहता है उसका जो बचा हुआ छोटा मोटा टुकड़ा होता है वो भी पैलेट हो गया। तो फायरवुड और पैलेट जो है मोस्ट पॉल्यूटिंग होता है। की इफेक्ट देखने को ये मिलेगा जो यहाँ पे कुछ और बात बताई गई है कि कुएंग फ्यूल्स जो है उससे क्या टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, जैसे रिस्पायरेबल बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन सल्फर हो गया, बेंजीड, फॉर्मल्डिहाइड रिसेंटली न्यूज़ में भी था तो ध्यान में रखिएगा, पॉलीएरमिक कंपाउंड्स जो है वो सब जो है मोस्टली इंडोर एयर पोल्यूशन यहाँ पे फैलाते हैं। यहाँ पे ये भी कहा गया कि जो हाउस होल्ड है उससे क्या होता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बनते हैं। कैसे, जैसे स्ट्रोक होता है, ऑफकोर्स लोगों को स्ट्रोक पता होगा, इसमें एक हर्ट डिजीज़, जैसे हर्ट का क्या होता है, हर्ट के अंदर जो बहुत सारे नस होते हैं, तो नसों में क्या होता है कि एक तरह का फैट या फिर जो सूट होता है वो जमा हो जाता है। यहाँ पे देखिएगा कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, तो पल्मोनरी डिजीज़ जो होता है वो होता है आपका लंग्स में, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है ना, जब लोग सांस लेते हैं तो उसका जो सांस का जो पाइप होता है उसमें जाके कार्बन जमा हो जाता है, वहां से क्या होता है कि वो जो पाइप है वो पतला हो जाता है। तो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट मतलब किसी चीज को रोकना होता है, और लंग कैंसर भी हो सकता है। यहाँ पे ये दिया हुआ है कि हाफ ऑफ द डेथ, देखिए आधा से ज़्यादा डेथ जो होता है ना यहाँ पे, वो निमोनिया का जो होता है, जो भी निमोनिया का डेथ होता है 5 साल से कम लोगों का, तो वो क्या होता है, सूट के वजह से होता है। सूट क्या होता है, देखिए कोई भी फ्यूल जलाते होगे तो उससे काला रंग का देखिएगा एक मोटा सा धुआं निकलता है, ठीक है, बीच से एकदम निकलेगा काला सा, जैसे मोस्टली तेल आप जब जलाइएगा तो तेल जला हुआ देखिएगा कि उसके बीच से सूट निकलता है। आप जब घर में दिया जलाते होगे पूजा करने के लिए तो उस दिया के बीच से देखिएगा काला रंग का जो निकलता है वो होता है सूट। वो मोस्टली उसमें क्या होता है कि ऑयल का बहुत ज़्यादा अमाउंट रहता है प्लस कार्बन रहता है, मतलब एक लिक्विफाइड, मतलब एक कार्बन और ऑयल का पेस्ट रहता है उसमें, वो होता है सूट। और वही जो सूट होता है उसको लोग जमा करके काजल की तरह यूज़ करते हैं। तो क्या होता है, वहाँ पे जो सूट होता है ना वो बच्चों का जो लंग्स होता है उसमें जाके जमा हो जाता है। तो बहुत जो नॉर्मल एयर जो लंग्स होता है, नॉर्मल जो एयर सैक्स होता है लंग्स का, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो सूट नहीं जमा होता, तो वहाँ पे फ्री टू यूज़ होता है वो, और जैसे ही सूट जमा होने लगता है तो एक तरह से वो लिक्विड फिल्ड हो जाता है, तो उसको हम लोग और यूज़ नहीं कर पाते, तो वो यूज़लेस हो जाता है। यहाँ पे यही कहा गया कि जो यहाँ पे ये कहा गया कि यहाँ पे वेंटिलेशन भी देखिएगा हाउसेज में, आजकल का जो मतलब एक तरह से देखिएगा कि हाउसेज बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होता है, स्लम्स का आप कंडीशन देखिएगा तो और ख़राब होता है, घर का मतलब दो घर का एक दीवार या फिर दो घर के पीछे दीवार नहीं है, तो ये सब भी स्लम्स में देखने को मिलता है। तो वहाँ पे देखिएगा वेंटिलेशन बहुत कम होता है, और इससे क्या होता है कि मतलब जो पोल्यूटेंट्स हैं उसे बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है। अब यहाँ पे इनिशिएटिव्स क्या क्या लेना हम लोग को, तो यहाँ पे कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो लिए जा चुके हैं यहाँ पे, और हम लोग देखेंगे कि 1980 से स्टार्ट हुआ था। तो पहला यहाँ पे बात की गई नेशनल प्रोजेक्ट ऑन बायोगैस डेवलपमेंट NPDB, तो ये लॉन्च किया गया था 1981 से 1982 के बीच में, और ये मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल जो एनर्जी सोर्सेज है वो लॉन्च किया था। तो ये कि एक सोशियो इकोनॉमिक एनवायरमेंटल इंपैक्ट जो है बायोगैस का, सबको पता है कि बहुत अच्छा, मतलब ये एक सोशियो इकोनॉमिकली बहुत फिजिबल भी है और एनवायरमेंट में कम हार्मफुल भी है, ये सबको पता है। NPDB जो है वो बहुत ज़्यादा पब्लिक अटेंशन और स्क्रूनिटी यहाँ पे रिसीव कर रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा एग्जामिन कर रहे थे लोग इसको, ठीक है। ये लेकिन ये क्या था, क्योंकि इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा था और ये बहुत अच्छा था, लेकिन क्योंकि इसका परफॉर्मेंस बहुत ख़राब था, मोर्टेलिटी मतलब बहुत जल्दी ये टूट जा रहा था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फंक्शनल, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ थी जो फंक्शनल नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे उस वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे मतलब ख़राब हो गया। यहाँ पे प्रोग्राम जो है
वो मालाफाइट प्रैक्टिसेस, मतलब ऐसे कुछ प्रैक्टिसेस जो हैं जो कि एक तरह से सही नहीं है, बैड प्रैक्टिसेस। मालाफाइट प्रैक्टिस मतलब बैड प्रैक्टिस होता है, तो कुछ बैड प्रैक्टिसेस की वजह से या फिर पुअर कंस्ट्रक्शन मटेरियल, तो ये सब मेंटेनेंस की कमी, मिस इंटरप्रिटेशन, अचीवमेंट का जो बताना चाहिए था कि लोगों को यहाँ पे सबको बताना चाहिए कि यार ये जो है वो सही है, वो लोग यहाँ पे किए नहीं, यहाँ पे थोड़ा भी पॉपुलैरिटी नहीं हुआ, इंटरप्रेट इसको गलत कर लिए लोग, इसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो है सही तरीके से काम नहीं कर पाया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे फिर से एक काम किया गया, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आया। देखिए ध्यान रखिएगा, UJJWAL जो योजना है वही बस ये लेकर के एक और उज्ज्वला योजना UJJAWAL, तो वो अलग योजना है, ठीक है। ये उज्ज्वला योजना जो इसको हम लोग अभी डिस्कस करें, तो यहाँ पे क्या ये मई 2016 में आया था, ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है ये पहले आया था 4 करोड़ लोगों के लिए, ध्यान में रखिएगा इसको 4 करोड़ लोगों के लिए लाया गया था, लेकिन ये इतना अच्छा काम किया। यहाँ पे क्या था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस जो है वो LPG कनेक्शन प्रोवाइड करने वाली थी वुमेन को, ऑफकोर्स ध्यान में रखिएगा कि मेन को नहीं प्रोवाइड किया गया था, वुमेन को ये प्रोवाइड किया गया था। BPL के अंदर जो आते हैं यहाँ पे 8 करोड़ फैमिलीज को कवर करने की बात यहाँ पे लिखी है, लेकिन जब इसको एस्टैब्लिश किया गया था तब उस समय 4 करोड़ फैमिली ही इसके अंदर आ रहे थे। यहाँ पे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड PNGRB जो है वो है कि वो ऑक्शन कर रही है जो गैस, देखिए पाइप आता है, ठीक है, PNG मतलब पाइपिंग जो नेचुरल गैस होता है, पाइप नेचुरल गैस, तो उसका यहाँ पे यूजेज का जो ये था वो डिस्ट्रीब्यूट वो लोग ऑक्शन किए, PNGRB जो है वो इसको ऑक्शन किए। यहाँ पे बोला गया कि कन्वेंशनली तो हम लोग देखेंगे कि जो गवर्नमेंट है वो LPG सब्सिडाइज करता है, और उसके वजह से क्या होता है कि जो बायोगैस और PNG जो रहता है उसमें सब्सिडी नहीं मिलता, तो लोग क्या करते हैं LPG की तरफ ज़्यादा जाते हैं, और यहाँ पर जो PNG है और जो बायोगैस है उसकी तरफ आदमी यहाँ पे नहीं मुड़ते हैं, यहाँ पे ये देखने को मिला है। तो इसके वजह से यहाँ पे ये बोला है कि देखिए LPG तो बहुत अच्छा बात है कि चलो LPG लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा बड़ा सब्सिडी जो जा रहा है तो उससे क्या होता है गवर्नमेंट का जो रिसोर्स है, जो ट्रेजरी है, उससे वो ड्रेन हो रहा है। अब इसके वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हैं उसको मतलब हैम्परिंग हो रहा है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब इससे हम लोग क्या आगे बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे ये बोला गया कि हम लोग एक बायोगैस जो रूरल में देखिएगा, क्योंकि रूरल में देखिएगा कि बहुत ज़्यादा आप देखिएगा कि गाय भैंस लोग पालते हैं, बकरियाँ, तो उसके वजह से क्या होता है कि वहाँ पे डंक और मैन्योर बहुत होता है, और बायोगैस का जो मेन कंपोनेंट होता है वही होता है डंक। डंक को बहुत दिन तक स्टोर करके रखा जाता है, उससे क्या होता है कि इथेन गैस निकलता है, इथेन गैस को थोड़ा सा और कुछ और गैसों के साथ मिलाया जाता है और उसके बाद बनाया जाता है यहाँ पे बायोगैस, जो कि बहुत इफेक्टिव है। तो यहाँ पे ये है कि रूरल एरिया में इसको बहुत आराम से एस्टैब्लिश किया सकता है, पर दिक्कत इसका मेंटेनेंस को लेकर के आ जाता है कि इसको मेंटेन कौन करेगा, मेंटेनेंस का हाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेमी अर्बन जो एरिया है, जो रूरल एरिया है, वहाँ पे जो एक यहाँ पे जो एक मॉडल दिया हुआ है होशिरापुर का, तो यहाँ पे ये कहा किया गया था कि ये लोग एक 100 क्यूबिक मीटर का एक प्लांट बनाए थे, ठीक है, और ये जो है ये क्या करते हैं कि 44 हाउस होल्ड और एक स्कूल को रोज जो है क्लीन पाइप कुकिंग बायोगैस पहुँचाता है। अब ये क्या है, ये एक सर्विस बेस्ड इंटरप्राइज मॉडल है। यहाँ पे होता ही है कि लोगों को काम करने के लिए रखा जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक घर वाला बनवाया और फिर वो उसको प्रोवाइड कर रहा है, उसके बदले पैसा ले रहा है, ऐसा नहीं है। एक पूरा कंपनी बनाया जाता है, वो कंपनी क्या करता है वहाँ पे आदमी को रिक्रूट होता है, वहाँ पे कंपनी का जो होता है जिस तरह का मतलब ऑफिशियली जितने काम होते हैं तो वहाँ पे रिक्रूट किया जाता है, सबका सैलरी होता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे काम चलते हैं। तो वो जो है ये एक तरह का सही तरीका हो सकता है। ऐसा जो मॉडल है ये क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट बनाने का काम करेगा, ऑफकोर्स एक एम्प्लॉयमेंट बनेगा, ये बहुत तरह से मतलब विन विन सिचुएशन है गवर्नमेंट के लिए, हर किसी के लिए एक विन विन सिचुएशन है, लोगों का भी भला होगा, गवर्नमेंट का भी भला होगा। तो इस चीज़ को अगर आप करोगे तब ना आप बोल सकते हो कि यार अच्छे दिन आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ चीज़ करना चाहिए हम लोग को। यहाँ पे ये हम लोग बोल सकते हैं, और भी यहाँ पे दिया हुआ कि PNG को थोड़ा प्रमोट करना पड़ेगा, ठीक है, और इस तरह का कर देना पड़ेगा, नहीं PNG और बायोगैस को आपको इतना डेंसली पहुँचाना होगा कि अब LPG जो हो जाए वो एक तरह का मतलब ऑप्शन बन के रह जाएगा, ठीक है LPG भी ले लेंगे, अगर गैस की जरूरत पड़ेगा तो हम लोग ले लेंगे LPG, तो उस तरह का कंडीशन आपको कर देना चाहिए। और उससे क्या होगा कि जो गवर्नमेंट की जो ट्रेजरी है उस पर ऐसा हैम्परिंग यहाँ पे नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे ये भी बोला गया कि हम लोग को कुकिंग फ्यूल का जो चॉइस है वो हम लोग को रखना पड़ेगा कि यार हमको जो मन वो यूज़ करे, PNG का मैंने PNG, LPG का मैंने LPG, बायोगैस का मैंने तो बायोगैस, तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे चाहिए। और यहाँ पे जो फंक्शनल सब्सिडी है यहाँ पे उसको सब्सिडीज़ के साथ, नॉर्मल जो कंजप्शन में सब्सिडी उसके साथ रिप्लेस कर देना चाहिए, तो हम लोग को जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे सब्सिडी देना चाहिए, और हाउस होल्ड इनकम का जो लेवल है उसके ऊपर देना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा भी रिसेंटली हुआ था ना कि जिसको सब्सिडी नहीं चाहिए तो वो छोड़ सकता अपना मन से कि यार हमको सब्सिडी नहीं चाहिए, तो उस तरह का चीज़ को कंपलसरी यहाँ पे कर देना चाहिए। यहाँ पे ये भी कहा गया कि हम लोग को जो लीकेजेस है उसका पॉसिबिलिटी को यहाँ पे कम करना पड़ेगा, और भी बहुत कुछ है जो हम लोग को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अकॉर्डिंगली हम लोग को सब तरह का जो चीज़ है सब्सिडी है वो पहुँचाना चाहिए यहाँ पे। और भी बहुत कुछ ऐसे बात की गई, हम लोग जो मेन जो टॉपिक्स है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑफकोर्स यहाँ पे ऊपर में, और ये बस एक तरह का कंक्लूजन है जिसको कि उतना कुछ खास यहाँ पे जानने की जरूरत है नहीं। कंक्लूड डॉट्स में आज का क्वेश्चन है कि व्हाई हैविंग एन LPG और PNG कनेक्शन
important for women empowerment. In this regard, do you think Pradhan Mantri Ujwala Yojana can make a difference? Examine also discuss its other advantages. जो second आज का topic है वो social and national के ऊपर discuss करेंगे. तो क्या death penalty जो होता है वो हम लोग डिटोरियंस क्रिएट कर सकते हैं उससे ड्रग ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग को लेकर के. डिटोरियंस क्या होता है? एक तरह का तनाव, ठीक है, कि लोग ये चीज़ करने से डरे तो वो चीज़ डिटोरियंस. तो डिटोरियंस क्रिएट कर सकता है क्या ड्रग जो डेथ पेनल्टी है, मतलब किसी को मौत की सजा देना? तो अभी पंजाब का जो गवर्नमेंट है वो रिसेंटली ये बोला है यूएन गवर्नमेंट को कि आप लोग डेथ पेनल्टी यहाँ पे दे दीजिए पहली बार जो ऑफेंड किए हैं, लेकिन उनका जो रिकॉर्ड है वो पुराना से चल रहा है, लेकिन फर्स्ट ऑफेंडर जो पकड़ा है तो उन लोग को हम लोग को ये क्या करना देना चाहिए कि सॉरी यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो ड्रग ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग जो कर रहे हैं तो उन लोग को जो पहली बार जिसको पकड़े उन्हीं को डेथ पेनल्टी दे दो, तीन चार बार पकड़ने के बाद नहीं. जिसको पहली बार पकड़ लिया भाई उसको यहाँ पे डेथ पेनल्टी दे देना चाहिए. यहाँ पे ये बोला गया कि ये आर्टिकल जो है वो देखेगा कि क्या हार्श पनिशमेंट से स्टेट जो है वो ड्रग प्रॉब्लम से डील कर सकती है. तो यहाँ पे ये बोला गया कि हम लोग रिसेंट देखेंगे कि जो लॉ है तो लॉ जो इसका जो लॉज आता है वो किसके अंदर आता है, तो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोथेरेपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 जो NDPS एक्ट है. यहाँ पे हम नॉर्मली NDPS को ही बात करें तो NDPS जो एक्ट है उसके अंदर यहाँ पे आता है. यहाँ पे जो डिटेरेंस है, ठीक है, तो डिटेरेंस जो है ये हार्श पनिशमेंट जो है वो उसकी वजह से देखिएगा नॉर्मली फेल करता है, ठीक है, और NDPS एक्ट में उसको नॉर्मली देखा गया. यहाँ पे देखिए कि नारकोटिक ड्रग्स और साइकोथेरेपिक जो सब्सटेंसेस एक्ट 1985 उसके बारे में जानेंगे. तो जो एक्ट है इसका नॉर्मल ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग को डिटेरेंस क्रिएट करना है ड्रग ट्रैफिकिंग को लेकर के. ये जो है इस जो एक्ट है इसके अंदर हर कुछ दिया हुआ है कि किस तरह से लायबिलिटी स्ट्रिक्ट ऑफेंसेस बना करके एकदम मिनिमम सेंटेंस करके के डेथ पेनल्टी दे करके भी यहाँ पे कर देना चाहिए, तो उसके बारे में हर कुछ यहाँ पे दिया हुआ है. ये जो है इसके वजह से क्या हुआ कि लॉ जो है मतलब हम लोग का जो एग्जीक्यूटिव है वो लोग क्या किए कि हम लोग ये लोग दिखाएं कि नहीं हम लोग इम्प्रिजनमेंट करेंगे वहाँ पे उतना ज़्यादा कन्विक्शन वहाँ पे उतना इम्प्रिजनमेंट होता भी है. यहाँ पे दिया हुआ कि पंजाब में अगर टोटल जितने भी यहाँ पे जेलर्स हैं मतलब सॉरी जो भी वहाँ पे कैदी हैं तो जितने भी कैदी हैं उनके अंदर आप लोग देखेंगे 41.7% जो है वो जो है वो ड्रग को लेकर के ही वहाँ पे है. ये 2015 का एक डेटा है. तो यहाँ पे देखिए पटियाला जो है तो पटियाला में अगर आप देखिएगा तो 90.7% का यहाँ पे था, और जो पंजाब है उसमें ये देखने को मिलेगा कि अभी भी ड्रग रिलेटेड डेथ जो है वो बहुत ज़्यादा, सिर्फ जून के महीना मतलब ये जून का जो महीना जो कि मतलब बोलिए कि अभी रिसेंटली क्रॉस हुआ है तो इसमें 23 लोग मर चुके थे ड्यू टू ड्रग रिलेटेड केस. तो ये तो भाई डाटा है, इससे ज़्यादा भगवान जाने कितने लोग मरे होंगे जिनके पता नहीं है यहाँ पे. तो डी यू में देखेंगे डेथ पेनल्टी जो है जो इंट्रोड्यूस की गई NDPS एक्ट 89 सॉरी जो देने वाले यहाँ पे मतलब जिसको की बात की जा रहा है तो एक डेथ पेनल्टी भी है पहले से. डेथ पेनल्टी यहाँ पे हम लोग आगे भी देखे तो पहले से एक डेथ पेनल्टी है. तो क्या वो जो है वो नार्को टेररिज्म मतलब नार्को का जो नार्कोटिक्स यूज़ करके जो टेररिज्म फैलाते हैं लोग, तो कि किसी को आप दे दिए ड्रग्स और फिर उन लोग को आप ड्रग का शिकार बना देंगे वो भी टेररिज्म फैलाने का यहाँ पे तरीका है. तो क्या वो जो नार्को टेररिज्म है उसको हटाने के लिए यहाँ पे लाया गया था ये जो डेथ पेनल्टी है उसको, ठीक है, और उस समय ये बिलीव कर रहे थे कि ये जो है ये एक लौता तरीका है कि हम लोग यहाँ पे डेथ पेनल्टी लेके आएंगे और फिर जो पनिशमेंट है वो यहाँ पे हार्श हो जाएगा और लोग जो वो ये नहीं करेंगे. अब फ्लॉज देखेंगे यहाँ पे क्या क्या NDPS एक्ट का. तो पहले तो कमर्शियल क्वांटिटीज़ के बारे में बात की गई है. कमर्शियल क्वांटिटीज़ क्या होता है पहले आप वो जान लीजिए. तो एक ऐसा क्वांटिटी जो कि कम भी नहीं हो ज़्यादा भी नहीं हो, एक इंटरमीडिएट क्वांटिटी को बोलते हैं कमर्शियल क्वांटिटी. यहाँ पे ये भी कहा गया कि उसके लिए मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ सेंटेंस होना चाहिए, ठीक है, जिसको भी जिसके पास ही पकड़ा गया उसको 10 साल का यहाँ पे मिलना चाहिए. अब अदर वर्ड में जहाँ पे लिखा गया है कि अगर वो लोगों क्या है कि जिसके पास मतलब इंटरमीडिएट क्वांटिटी होता है उनको ड्रग ट्रैफिकर्स माना जाता है, मतलब वो लोग जो है मेन एजेंट के पास से खरीदते हैं फिर लोगों को पहुँचाते तो उन लोग को ड्रग ट्रैफिकर्स जो है मान लिया जाता है. अब यहाँ पर ये बोला गया कि ये एक सिचुएशन है यहाँ पर ऐसा बना दिया गया कि यहाँ पर बहुत तरह का गलत चीज़ होने क्या लगा कि यहाँ पे ऐसा भी होता ना कि बहुत लोग जो होते हैं वो ये नहीं करते हैं. ऐसा किस कंडीशन में होता है जब यहाँ पे फार्मास्यूटिकल ड्रग्स आ जाते हैं. जैसे यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि एक आदमी है जिसके पास 20 बॉटल था किसका कफ सिरप का, तो उसको भी यहाँ पे 10 साल का प्रिजन सेंटेंस यहाँ पे दे दिया गया. और इसके मतलब इस तरह का जो चीज़ है उसके बाद पंजाब में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा ये सेंटेंसिंग है वो बढ़ने लगा, बहुत ज़्यादा लोग को यहाँ पे दिया गया मतलब यहाँ पे जेल होने लगी. यहाँ पे फ्लॉ क्या है कि यहाँ पे क्या आपको प्रूव नहीं करना होता है. अगर किसी इंसान के पास वो चीज़ है, ठीक है, तो आप उसको जेल कर सकते हैं. ऑफकोर्स यहाँ पे आपको प्रूफ नहीं करना पड़ता गवर्नमेंट को कि आप ये जो इंसान है वो उसको यूज़ करता है या फिर उसको बांटता है, वो प्रूफ करने की जरूरत नहीं. अगर आपके पास है तो आपको जेल हो जाएगा. अब यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जो ड्रग ट्रैफिकर्स ना हो वो लोग पेडलर्स हों, नॉर्मल घर घर घूर के बेचते हों कि आप लोग ये ले लो, या फिर ऐसा हो कि वो लोग यूज़र हो, वो लोग खुद एक स्टॉक बना के रखो, ये चीज़ नहीं मिलता मार्केट में तो ये चीज़ हम लोग स्टॉक रखेंगे 10-20 बोतल खरीद के रख लो घर में,
तो वो जो चीज़ है वो भी हो सकता है, तो आपको इसको प्रूव करना चाहिए ना पहले, तो वो सबसे बड़ा बात है। अब यहाँ पे पोजीशन जो है वो सिर्फ कन्विक्शन तक जा सकता है, ये दूसरी बात है कि यहाँ पे क्या है कि आप बस पोजेस करते हो तो यहाँ पे उनको कन्विक्ट हो जाता है, यहाँ पे उन लोगों को कुछ कर नहीं सकते हो। और ये जो इनको पंजाब पुलिस के द्वारा बहुत गलत इस्तेमाल किया गया, यहाँ पे ऐसा लिखा गया है, कुछ एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे मत लिखिएगा। ऑफकोर्स यहाँ पे एग्जाम्पल अगर आप कुछ बैक नहीं कीजिएगा तो ये सब कुछ लेम लग जाता है। बस यहाँ पे कंक्लूजन लोग ये देख के यही निकालते हैं, ये जो इन्वेक्शन है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन है जो अभी हो रही है, तो यहाँ पे आप तो पहले ये बता नहीं रहे हो कि वो इंसान जो है वो सही में वो उसको यूज़ करता है क्या, वो सही में बांटता है उसको एक ड्रग के फॉर्म में या फिर वो बस एक दवाई के फॉर्म में उसको देता है, पेडलर है या फिर क्या है, तो वो आप कुछ बता नहीं रहे हो, खुद ही पीता है खुद ही खाता है कि क्या है वो, आप समझिए यहाँ पर कुछ बताना नहीं चाहते हो। यहाँ पे एक और चीज़ है कि यहाँ पे जो कैबिनेट जो प्रपोज़ कर रहा है पंजाब गवर्नमेंट का कि आप जाइए और आप जो है कि आप हार्शर पनिशमेंट लेके आइए, डेथ पेनल्टी लेके आइए, कि हम किसी को एक बार पकड़ दो सीधे उसको मौत का सज़ा दे दें, तो ये सब जो चीज़ है ये एक और तरीका हो सकता है कि किस तरह से वो लोग मतलब यहाँ पे अपना जो उल्लू है वो सीधा कर सके। तो यहाँ पे वही लिखा गया, यहाँ पे ये कहा गया कि ये जो यहाँ पे ये बोला गया कि ट्रैफिकर्स पकड़ा जाए, NDPS एक्ट के तहत ट्रैफिकर्स पकड़ा जाए तो हम लोग को बहुत तरह का यहाँ पे बहुत कुछ लेके आना चाहिए, जैसे आपको वहाँ पे प्रोसिक्यूशन के ऊपर बर्डन होना चाहिए कि वो लोग किस तरह से उसको प्रूफ करें कि यार वो जो चीज़ हो रहा है वो गलत हो रहा है, तो ये सब चीज़ पहले ही होना चाहिए। ये जो एक्ट है ये एक्ट को हम लोग किसी के ऊपर भी नहीं लागू कर देना चाहिए कि यार किसी के ऊपर भी लागू हो, और देखना चाहिए किस तरह का ड्रग पकड़ा गया है, यहाँ पे नारकोटिक ड्रग है या कि साइकोथेरेपिक सब्सटेंस है तो ये, या फिर एक नॉर्मल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, तो वो सब चीज़ यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। तो सेक्शन 27 ऑफ द एक्ट जो है वो बोलता है कि ये जो हम लोग कोई भी अगर नारकोटिक ड्रग या फिर साइकोट्रोपिक जो ड्रग है वो अगर हम लोग लेते हैं तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस, तो ये सेक्शन 27 बोलता है इस एक्ट का। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे स्टेट जो है उसको देखना चाहिए कि हम लोग किस तरह से एडिक्शन को डिक्रिमिनलाइज कर देना चाहिए, सही है, और उसके बाद फिर किस तरह से एक अच्छा तरह से ट्रीटमेंट लेके आना चाहिए, बहुत सारे एक्सपर्ट को यहाँ पे खड़ा करना चाहिए, एजेंसीज यूज़र को खड़ा करना चाहिए, सबसे पूछना चाहिए कि यार ये किस तरीका से हम लोग यहाँ पे कम कर सकते हैं ट्रैफिकिंग को, और उसके बाद हम लोग एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर चलना चाहिए, ये नहीं कि बस ताकत का इस्तेमाल करो और उसके बाद उससे कोई फ़ायदा ना हो यहाँ पे। तो यहाँ पे कंक्लूजन डॉट्स का आज का क्वेश्चन ये है, द प्रॉब्लम ऑफ ड्रग एडिक्शन हैज़ बिकम सीरियस थ्रेट इन मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया, व्हाट इन योर ओपिनियन आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मेनेस, डज इट पोर्ट्रे अ वरिंग पिक्चर ऑफ इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी प्रिपेयरनेस, क्रिटिकल एग्जामिन। सेकंड ये कहा कि ड्रग मेनेस हैज़ द कैपेसिटी टू रूइन इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड, कैन हार्शर पनिशमेंट्स लाइक मैंडेटरी इंप्रिजनमेंट एंड डेथ पेनल्टी हेल्प स्टेट टू डील विद द ड्रग प्रॉब्लम एग्जामिन। अब टेस्ट नॉलेज का आज का क्वेश्चन ये कि सॉरी यहाँ पे टेस्ट नॉलेज का आज का क्वेश्चन ऊपर रह गया, हाँ यहाँ पे आ गया, चलो ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमॉन आर द स्पीसीज एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पे आपको आंसर पता है ऑफकोर्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन वो एक आपको पता है, यहाँ पे और भी कुछ आपको पता यहाँ पे बताना पड़ेगा। अब यहाँ पे कंसिडर करना फॉना ऑफ इंडिया को, तो स्वाम्प डियर, नीलगिरी तहर और ब्लैकबक तीनों का नाम दिया हुआ है। यहाँ पे बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स अमॉन्ग टू द कैटेगरी ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज, यहाँ पे कौन सा जो यहाँ पे तीनों में है, ये पे इंडेंजर्ड कौन सा है, तो आपको बताना है कि 1-2 है, सिर्फ 1 है, सिर्फ 2 है, सिर्फ 3 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है कि सेक्शन 497 जो है इंडियन पेनल कोड का वो किससे कंसर्न है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एडल्ट्री से कंसर्न है। अब एडल्ट्री का जो हम लोग कल ही रात को डिस्कस किए हैं, सपोज कि एडल्ट्री हम लोग कल रात को डिस्कस किए हैं, फिर परसों रात को डिस्कस किया गया होगा, तो ये जो आपको बताना है कि ये कब, मतलब ये जो 497 है वो क्या चीज़ है, चलिए बता देता हूँ। तो ये मैरिज से एक है कि हम लोग मैरिज प्रोटेक्ट करते हैं 497 के अकॉर्डिंगली। चलिए इसके साथ आज का जो वीडियो वो चुका है, तो आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कीजिए, वीडियो नहीं पसंद है वीडियो डिसलाइक कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट सेक्शन में जो बताइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।